बहुत सारे नवे तथ जेड़े आ वो एसआईटी को आए आ जिदे नाल सीधा सीधा यह जाहिर होता कि सुखपाल सिंह खहरा जेड़ा कि पलख तो एमएलए है वो नशा तस्करी च इनवॉल्व है और इसे करके अज जिहड़ी है पंजाब पुलिस ने उनकी अरेस्ट की। पहला भी चुकवा सकते सी, पहला भी कार्रवाई हो सकती सी, लेकिन असी कोर्ट दीयां डायरेक्शनां दे आधार ते रूल ऑफ लॉ दे हिसाब नाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2022 च कह चुकिया है अपनी जजमेंट, और जजमेंट की कापी मेरे कोल है, इहदे पेज 44 पैरा 12 च बड़ा स्पष्टता नाल लिखिया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि रिच भी कारण है, क्योंकि जो सुखपाल सिंह खहरा सुप्रीम कोर्ट गए सी उदों नाल दे जिहड़े 9 लोकां नूं सेम टाइम लोअर कोर्ट च कन्विक्शन दी जिहड़ी सजा जिहड़ी आ उह सुनाई जा रही सी, ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जदों ऑलरेडी जिहड़े को अक्यूज्ड है साथी उन्हां दी सजा सुनाई जा रही है ते नाल दी नाल इन्हां नूं जिहड़ा समन जारी नहीं कीते जा सकदे, इन्हां ते फ्रैश जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस कर सकदी है। और माह अप्रैल 2023 च पंजाब पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया और इस मामले की पूरी बारीकी नाल जांच की। उस जांच के आधार से बहुत सारे नवे तथ जिहड़े आ ओह एसआईटी को आए आ जिहदे नाल सीधा सीधा यह जाहिर होंदा कि सुखपाल सिंह खहरा जिहड़ा कि पलख तो एमएलए है वह नशा तस्करी च इनवॉल्व है और इसे करके अज जिहड़ी है पंजाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट की है। तो यह बड़ा स्पष्ट है कि ना यह पोलिटिकल वेंडेटा है, ना यह कार्रवाई साढ़े टाइम तो शुरू हुई है। हाँ यह गल बिल्कुल स्पष्ट है कि मान साहब की सरकार का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग, उस कार्रवाई के मद्देनजर असी किसी का लिहाज नहीं कर रहे, क्योंकि 2022 तो पहला इन्हों की सैटिंग हो गई सी, ये ठंडे बस्ते कांग्रेस सरकार ने केस पाता सी, उस केस की नवी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर नवे तथ आए हैं ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। और उस आधार से जिहड़ा आ अज इन्हां दा जिहड़ा अरैसट होया।